बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों फ्रेंड्स, आप देखें फिदा जी के यूट्यूब चैनल और मैं हूं फिदा हुसैन। दोस्तों, हमेशा आपके साथ नई जॉब एड्स और उसके बाद जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वक्तन फवक्तन शेयर करता रहता हूं। आज की इस वीडियो में आपको एक एडवांस एक अपकमिंग जॉब्स के बारे में बताया जाएगा जो कि हैं ओनली ऑन पंजाब पुलिस से रिलेटेड। दोस्तों, पंजाब पुलिस में अगर देखें 2020 में तो इसमें दो फेज़ में भर्ती किए गए हैं कांस्टेबल्स की, दो फेज़ में भर्ती की गई है। पहले फेज़ में कुछ डिस्ट्रिक्ट थे और बाकी जो है 19 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नेक्स्ट फेज़ में हैं, जो अभी प्रोसीजर चल रहा है जो कि 2021 में भी कंटिन्यू है। अब इस प्रोसीजर के कम्प्लीट होने पर या इसके फौरी बाद कुछ वैकेंसीज अनाउंस होने वाली हैं। ये सारी चीज़ें सबूत के साथ आपके सामने रखूँगा कि कितनी सीट्स हैं और कब अनाउंस होंगी, ये सारा क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मज़ीद वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो आप चैनल है पे को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, तो आप आ गए हैं ये स्क्रीन पर। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूज़पेपर में आया है अभी कि पंजाब पुलिस में भर्तियों के बावजूद 10,000 कांस्टेबल्स की किल्लत बरकरार, 5,300 कांस्टेबल्स की भर्ती जारी है। पहले भी कुछ ऐसी वीडियोस में आपके साथ बताता रहा हूँ कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5,300 कांस्टेबल्स अब फेज़ टू में भर्ती किए जा रहे हैं। अभी तक मज़ीद 10,000 कांस्टेबल्स की भर्ती कर सकता है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। अब फर्दर इसकी अगर आप डिटेल देखें तो इसमें आप और ज़्यादा हैरान होंगे, बड़े ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन होगी इसमें। वो देखते हैं कि देखें कि यहाँ पर उन्होंने लिखा 10,000 कांस्टेबल की किल्लत बरकरार, लाहौर समेत पंजाब भर में कांस्टेबल्स की 1,39,000 मंजूर सीटों पर 1,29,000 कांस्टेबल्स जो हैं वो तैनात हैं। गुज़श्ता साल जो है वो 5,000 अहलकार जो है उनको भर्ती किया गया था, जबकि 5,300 की भर्ती अंडर प्रोसेस है, यानी अभी प्रोसेस में है। इसमें एक चीज़ और क्लियर होगी, ये कोई पुराना अखबार नहीं, अभी नया और ये आज या कल का अखबार है। पंजाब पुलिस में 10,000 कांस्टेबल्स की कमी के बावजूद ऑपरेशंस व सिक्योरिटी मामलात में मुश्किलात का सामना है, लाहौर समेत पंजाब भर में कुल 1,29,000 कांस्टेबल तैनात हैं, जबकि 10,000 मजीद कांस्टेबल की ज़रूरत है। और उसके अलावा अगर 5,300 अहलकारों की भर्ती का अमल जारी है, पंजाब भर में हर साल जो है 4,800 से 5,000 के करीब कांस्टेबल्स की सीटें खाली होती हैं। अप्रोक्सीमेटली हर साल 5,000 सीटें खाली होती हैं, इसलिए पंजाब पुलिस में तकरीबन हर साल सीट्स अनाउंस होती हैं। 3,000 से 3,500 रिटायर्ड, 1,000 से 1,200 के करीब तरक्कियां, जबकि 500 के लगभग नौकरी छोड़ जाते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि हर साल बड़े पैमाने पर सीटें खाली होने के बावजूद भर्तियां नहीं होती, जिसकी वजह से कमी का सामना रहता है। कमी पूरी करने के लिए 5,000 मजीद अहलकारों की भर्ती के लिए समरी हुकूमत को भिजवाई गई। मौजूदा हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल से ही 10,000 भर्ती की इजाज़त दी गई थी। अब इसमें 10,000 कांस्टेबल्स की ऑलरेडी इजाज़त मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये तो थी अपकमिंग जॉब्स के बारे में जिनकी आप प्रिपरेशन करें जो कि आपको हेल्पफुल हो सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।